कालू कौवा आज अपने शहर वाले फूफा के घर से अपने जंगल लौट आया था। वो बहुत खुश था। कालू, आज बहुत खुश लग रहे हो, ऐसा क्या लाए हो फूफा के घर से? गोरी कालू का जल्दी से बैग खिलाती है। उसमें तो सिर्फ कालू के कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। गोरी, लाया कुछ नहीं बल्कि पैसे कमाने का तरीका सीख कर आया हूँ। जल्दी बताए कालू जी, वो कौन सा तरीका है? गोरी जी, मैंने फूफा जी के जंगल में देखा, जिन पक्षियों के पास घर नहीं होते वो किराया देकर किराए के घर में रहते हैं। तो मैंने तय किया है, अब से मैं भी यही काम करूँगा। आज से ही अनजान पक्षियों के लिए घर बनाता हूँ। हाँ तो कालू, पक्षियों का किराया क्या लोगे? शुरू शुरू में तो 1000 रुपए लेंगे और फिर बाद में 5000 कर देंगे। चलो अभी से काम शुरू करते हैं, बहुत अच्छा काम है। ऐसे बातें कर कालू गोरी घर बनाना शुरू करते हैं। वो कुछ ही दिनों में 2 घर बनाकर तैयार कर देते हैं। गोरी उन पे नोटिस बोर्ड भी लगा देती है। गोरी, आपने किराया तो लिखा ही नहीं, हम कितना किराया लेंगे? पागल कालू, किसी पक्षी को आने तो दो, वो किराए की बात हमसे ही तो करेगा। ऐसे घर बनाकर कालू गोरी अपने घर चले जाते हैं और किसी बेघर पक्षी का इंतजार करते हैं। कुछ दिन तो उनके इंतजार में बीत जाते हैं। तब एक दिन बुलबुल आती है। कौवे जी, मुझे रहने के लिए किराए का घर चाहिए। मैं आपके घर का नोटिस बोर्ड पढ़कर आई हूँ, क्या मुझे आपका घर किराए पर मिल सकता है? हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर किराया 5000 रुपए लगेगा। बताओ कब से आ रही हो? 5000? ये तो बहुत ज्यादा है, मैं नहीं दे पाऊंगी इतना किराया, कहीं और देखती हूँ। चलो चलो 1000 दे देना, इससे कम नहीं होगा। बुलबुल 1000 रुपयों में मान जाती है और कुछ ही दिनों में उनका दूसरा घर भी किराए पर उठ जाता है। कालू जी, अगर कोई और पक्षी किराए का घर मांगने आया तो उसे कहाँ रखेंगे? चलो हम और घर बनाते हैं। गोरी, जो हमारे पास पैसे थे वो सब तो लगा दिए, अब घर कहाँ से बनाएंगे? कालू, घर तो बनाने होंगे, बरसात का मौसम आने वाला है, ऐसे में बेघर पक्षियों की भीड़ लग जाएगी। सोचो अगर हमारे पास घर हुए तो हम इस साल माला माल होंगे, हमारे जितना अमीर कोई नहीं होगा। वो सब तो ठीक है, मगर अब घर कैसे बनाएंगे? इतने पैसे तो हमारे पास है ही नहीं। कालू, मेरे पास एक आइडिया है, जिससे घर भी जल्दी बनेंगे और खर्चा भी कम आएगा। वो कैसे, जल्दी बताओ। कालू, हम कागज के घर बनाएंगे और सीमेंट के पानी से उन्हें ढक देंगे, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा और खूब पैसे कमाएंगे। वाह पत्नी जी, क्या दिमाग लगाया है, हम ऐसा ही करेंगे। ऐसे दोनों पति पत्नी भागे भागे रद्दी वाले की दुकान पर जाते हैं और सारी रद्दी खरीद कर घर ले आते हैं। गोरी तो जल्दी से कागज के घर बनाना शुरू करती है। कालू, मैं जल्दी जल्दी घर बनाऊंगी और आप इन पर सीमेंट का पानी लगाना। फिर गोरी का भी घर बनाने लगती है। कालू सीमेंट का पानी फेरता है, वो एक दिन में एक घर बना देते हैं और ऐसे ही कुछ ही दिनों में वो कई सारे घर बनाकर तैयार कर देते हैं। पति जी, वो देखो, वो रहा खाली घर, चलो जाकर मालिक से बात करते हैं। हाँ लूसी जी, ये घर नया भी लग रहा है। फिर वो पति पत्नी कौवों के घर जाते हैं और किराए की बात करते हैं। एक घर का किराया 2000 रुपए है, जल्दी से सामान जमा लो वरना फिर मिलेगा भी नहीं। और ध्यान से सुन लो, मैं 1 महीने का किराया एडवांस लेती हूँ, पैसे देते जाओ और सामान घर में रखते जाओ। फिर कबूतर गोरी को 2000 रुपए दे देता है और अपना सामान घर में जमा लेता है। धीरे धीरे उनके कागज के बनाए सभी घर किराए पर उठ जाते हैं। वो दोनों तो बहुत खुश थे, उनका बस एक आखिरी घर बचा था। तभी एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ आती है। कौवे भैया, मुझे किराए का कमरा चाहिए, क्या कोई घर खाली बचा है? हाँ चिड़िया, तुम एकदम ठीक समय पर आई हो, सारे घर किराए पर उठ गए, बस एक ही घर बचा था। कौवे भैया, आप किराया क्या लोगे, और घर मजबूत तो है ना? देखो चिड़िया, किराया तो 2000 रुपए महीना होगा, और ध्यान से और किसी दीवार पर कील ना ठोकना, बहुत पैसे लगते हैं रिपेयरिंग करवाने में, आराम से रहना, बच्चों से कहना घर में आराम से रहे। चिड़िया अपना सारा सामान घर में जमा लेती है। कुछ दिन तो सबके आराम से बीत जाते हैं। एक दिन चिड़िया के बच्चे घर की छत पर चले जाते हैं तो कागज की बनी छत टूट जाती है। हाय हाय, देखे कालू जी, इस चिड़िया के बच्चे कितने शरारती हैं, हमारा घर तोड़ दिया, तुम अभी के अभी इससे छत बनवाने के पैसे लो। लेकिन गोरी बहन, आपकी छत तो बहुत नाजुक थी, बच्चों का क्या कसूर, जो ये थोड़ा सा वजन भी
गर्मी नहीं झेल पाई। चिड़िया मेरे घर में ना लपस निकालो वरना डंडे से पिटाई कर दूंगा, चुपचाप मेरे पैसे दो। ये कौवे तो बहुत बुरे हैं, जैसे तैसे जान छुड़वाती हूँ। ऐसे मन में विचार कर रानो कुछ पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। कौवे फिर से उसी कागज की छत को पक्का कर देते हैं और एक चील को किराए पर दे देते हैं। एक दिन अचानक से जोरदार बारिश होती है और सबके घर धीरे धीरे ढेर हो जाते हैं। और ये घर तो कागज के बने थे, जरा सी बारिश नहीं झेल पाए। उन कौवों ने हमारे साथ धोखा किया, मेरा तो सारा कीमती सामान भीग गया। मेरे बेटे की फोटो भी खराब होगी, जो मेरे पास आखिरी फोटो थी। मैं उन दोनों कौवों को छोड़ूंगी नहीं। हाँ हाँ, चील दीदी ने एकदम ठीक कहा, मैं भी उनको अच्छा सबक सिखाऊंगा। मेरा तो सारा बारिशों का दाना भीज गया, अब मैं क्या खाऊंगा। ऐसे सब पक्षी गुस्से में बौखलाए हुए थे और कौवों के घर पर धावा बोल देते हैं और उनके खूब पिटाई करते हैं। चील तो बहुत गुस्से में थी, उनका सारा सामान घर से बाहर फेंक देती है। बेशर्मो, अब से मैं इसी घर में रहूंगी और तुम रहो अपना कागज का घर बना के। अब भागो यहाँ से वरना जान से मार दूंगी। ऐसे चालाक कौवों का खुद का बना पक्का घर भी छिन जाता है। वो अपने सामान के साथ बारिश में भीगते रह जाते हैं और चील उनके घर में सुकून से रहती है। प्लीज प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। चिड़िया का बेटा कोको बड़ा हो गया था। वो काफी समझदार और मेहनती पक्षी बन चुका था। गोरी कौवे का बेटा भी अब जवान हो चुका था। दोनों मम्मा पक्षी अपने अपने बेटों की शादियां करवा देती हैं। गोरी, ओ गोरी, ये कैसी बहू लाई हो तुम, जिसे अपने ससुर के सामने बैठने का सलीका तक नहीं मालूम। बहू चंदा, तुम्हारी माँ ने कायदे कानून नहीं सिखाए तुम्हें ससुराल में रहने के अभी घोंसले से बाहर निकलो और जमीन पे बैठो। लेकिन हाँ, बैठने में क्या बुराई है, मैं तो अपने घर में ऐसे ही बैठती थी। चुप चुप बेहया, वो तेरा मायका था और ये ससुराल, यहाँ तुझे सब कुछ हमारे हिसाब से करना होगा, ना कि अपने घर जैसे। फिर चंदा कौवे घोंसले से नीचे उतर जाती है और जमीन पर बैठ जाती है। इधर रानो चिड़िया की बहू रानो से कहती है, माँ जी मैं आपके पंख दबा देती हूँ, शादी की भागदौड़ में आप बहुत थक गई होंगी। हाँ बेटी, थक तो मैं गई हूँ, मगर एक माँ अपनी बेटी से कभी पैर नहीं दबाती। आजा तू मेरे पास बैठ और ये माजी माजी क्या लगा रखा है, मुझे आज के बाद सिर्फ माँ बुलाना। फिर मम्मा चिड़िया मुन्नी को अपने पास बिठाती है और उससे ढेर सारी बातें करती है। उन्हें तो पता भी नहीं चलता कब रात हो जाती है। मुन्नी बेटी, बातें करते करते पता भी नहीं चला अब सब पक्षी सो गए हैं, आप भी जाकर सो जाएं। माँ, मैं शादी से पहले बहुत डरी हुई थी, मेरी मम्मा सास पता नहीं कैसी होगी, गरम मिजाज वाली या ताने मारने वाली, मगर आप तो बहुत अच्छी हो, बिल्कुल मेरी मम्मा जैसी। ये बातें कर मुन्नी चिड़िया अपने घोंसले में सो जाती है और सुबह हो जाती है। बहु चंदा, जग्गू और उसके पापा तो भोजन की खोज को चले गए, अब मैं भी नदी पे घूम के आती हूँ, एक दो घंटे में वापस आ जाऊंगी, तुम अंदर से कुंदी लगा लो। माजी माजी, क्या मैं भी आपके साथ चलूं, मेरा भी मन लग जाएगा, मैं अकेले घर में क्या करूँगी। चुप चुप होके यहीं बैठ, तू बहू है और बहू का काम है घर के चार दीवारों में रहना, और मन भी लग जाएगा, पूरे घर को चमका दे, काफी दिनों से मैंने सफाई नहीं की। ऐसे कहकर गोरी कौवे घूमने चली जाती है। नदी पर रानो चिड़िया अपनी बहू को साथ लेकर आती है। गोरी कौवे तो देखते ही बोलती है, आहा चिड़िया, माना कि तेरी बहू सुंदर है, मेरी बहू से ज्यादा खूबसूरत है, इसका मतलब ये नहीं बहू को पूरा जंगल घुमाएगी, बहू को घर ही छोड़ना था, अपने साथ क्यों लाई। गोरी, घर में मेरे सिवा कोई और नहीं था तो मैं मुन्नी को अकेले कैसे छोड़ कर आती, और दूसरी बात उसे भी तो देखना चाहिए हमारा जंगल कैसा है, यहाँ के पेड़ पौधे और नदियाँ कैसी हैं। मुन्नी बेटा, आपको हमारे जंगल के पेड़ पौधे और नदियाँ कैसी लगीं। माँ, बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल आपकी सोच के जैसे, मुझे बहुत पसंद आया। गोरी, तुम भी चंदा कौवे को अपने साथ ले आती, वो हम सब को जानती और मुन्नी उसके उम्र की है, दोनों आपस में बातें करती तो पहचान बनती। नाना चिड़िया, मेरी बहू घर से फालतू नहीं है जिसे साथ लेकर घूमूं, तुम ही घुमाओ इसे, जैसे ये बहू नहीं छोटी बच्ची है तुम्हारी, जिसका घर में मन नहीं लगता, बहू को हमेशा दबा के रखना चाहिए ना कि सर पे चढ़ा के। ये बात तो ठीक कही गौरी ने, बहू को बहू की तरह रखना
चाहिए वरना वो सर पे चढ़ जाती हैं। जब मेरी बहू आएगी तो मैं उसे गौरी की ही तरह रखूंगी। ऐसे ताने मारते हुए गौरी और कबूतरी वहाँ से चली जाती है। माँ क्यों क्यों एक बहू को हमेशा अपने पैरों के नीचे दबा के रखना चाहते हैं ये लोग? वो ये क्यों नहीं समझते वो भी एक बेटी होती है जो अपने परिवार को छोड़ के आती है। मेरी बच्ची मैं सब समझती हूँ, मुश्किल होता है अपने घर परिवार को किसी अनजान जगह पर छोड़ के आना। आप चिंता ना करें, मैं इनके जैसी नहीं हूँ, अपने बच्चों की खुशी चाहती हूँ। तुम्हें जो भी करना हो मुझसे आकर कहो, जैसे अपनी माँ से कहती थी। मुन्नी रानो चिड़िया के गले लग जाती है। मम्मा चिड़िया मुन्नी को पूरा जंगल घुमाती है। समय गुजरता गया। एक दिन चंदा कवि को चक्कर आ जाते हैं और गौरी कवि उसे लेकर बुलबुल वैद के पास जाती है। बधाई हो गौरी कवि, बधाई हो, आपकी बहू बहुत जल्द अंडा देने वाली है, लेकिन चंदा कवि बहुत कमजोर है, आप इसे अच्छे से खिलाए पिलाए। बुलबुल मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, सब ऐसा आराम के साधन है, पता नहीं ये ही क्यों ऐसी मरीसी है। गौरी आपको चंदा को खिलाने के साथ साथ उसे घुमाना भी होगा, तभी खाया पिया शरीर को लगता है। बुलबुल ऐसे कहती है मगर गौरी तो उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती और चंदा को लेकर घर आती है। माँ जी आप मुझे घुमाने के लिए कब लेके जाओगी? मुझे यहाँ आए कितने दिन हो गए और मैंने घोंसले से बाहर भी नहीं देखा। जग्गू बेटे जरा सा उस बुलबुल ने क्या बोल दिया, तेरी बहू तो सर पे ही नाचने लगी, मैं इसे कहीं नहीं घुमाने वाली, इतना बड़ा घर है मेरा, जहाँ मन करे वहीं उड़ ले। हाँ हाँ हमारे घर की बहुए ऐसे ही नहीं जाती बाहर। जब जग्गू हुआ था तो गौरी पूरा दिन घोंसले में रहती थी और मैं उसके लिए दाना लेकर आता था। पापा पापा मैं बहुत कमजोर भी तो हुआ था, सबसे लेट उड़ पाया था मैं। हाँ जग्गू तुम बचपन में कमजोर थे, वो इसलिए कि मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, मगर तुम चिंता न करना तेरा बच्चा स्वस्थ होगा, मैं चंदा का पूरा ख्याल रखूंगी। दूसरी तरफ मुन्नी चिड़िया भी अंडा देने वाली थी। रानो चिड़िया जब तक अंडा हो मुन्नी को खूब घुमाना खुले आसमान में। हाँ बुलबुल दी मुझे सब मालूम है, खुली हवा और उड़ना फिरना और ताजे ताजे फूलों की खुशबू लेना बहुत जरूरी होता है माँ और बच्चे के लिए, तभी माँ और अंडा स्वस्थ रहते हैं। फिर रानो चिड़िया हर दिन अपनी बहू को घुमाने नदी पर ले जाती, वहाँ मुन्नी को ताजी खुली हवा में बैठकर बहुत अच्छा लगता। इधर गौरी कवि अपनी बहू चंदा को बस घोंसले में ही बैठा के रखती। समय गुजरने लगा था। एक दिन रानो चिड़िया गौरी कवि से कहती है, गौरी बहन लूसी ने मुझे बताया आपकी बहू भी माँ बनने वाली है, क्या आप उसे खुले आसमान की सैर करवाती हो? मैं तो अपनी बहू को हर दिन सैर पे ले जाती हूँ। चिड़िया तुम तो पागल होगी हो जो अपनी गर्भवती बहू को नदी पे लेकर जाती हो, किसी हवा बवा का चक्कर पड़ गया, किसी की नजर लग गई तो रोते रहना। गौरी क्या नजर के डर से आप चंदा कवि को घर से बाहर नहीं निकालोगी? और ये नजर वजर कुछ नहीं होती, सब तुम्हारी पुरानी सोच है, मेरी बहू को तो कुछ नहीं हुआ। नजर नजर पत्थर को फोड़ देती है, तुम बनो मॉडर्न सास, जब जच्चा बच्चा को कुछ होगा तो पता चलेगा। गौरी कवि की बातें चिड़िया को बेकार लगती हैं और वो वहाँ से चली जाती है। वो गौरी की बातों पर कोई ध्यान नहीं देती और अपनी बहू को हर दिन घुमाने ले जाती है। गौरी कवि अपनी बहू को खूब खिलाती पिलाती है, मगर चंदा कवि दिन पे दिन सुस्त और कमजोर होती जा रही थी। उसकी खुराक भी कम होने लगी थी और वो ज्यादातर बीमार रहने लग जाती है। जग्गू जग्गू जी मुझे बचा ले, मेरा अब दम घुटने लगा है, मैं अब मरने वाली हूँ। नहीं चंदा तुम ठीक हो जाओगी, हम तुम्हें बुलबुल के पास लेकर जा रहे हैं। चंदा बहू डरने की कोई बात नहीं है, ये तो खुशखबरी आने वाली है, जग्गू के पापा आप जल्दी चलें। गौरी कवि तो बहुत खुश थी और वो चंदा को लेकर बुलबुल के हॉस्पिटल पहुँच जाती है। बुलबुल आते ही चंदा कवि की दवा करती है, उसे ग्लूकोज लगाती है, मगर चंदा कवि तो उस सबसे अनजान थी, उसकी आंखें रास्ते में ही बंद हो चुकी थीं। गौरी आपने आने में देर कर दी,
चंदा कव्वी और उसका अंडा नहीं बच पाया। आखिर आप सब ने चंदा कव्वी को इतना कमजोर कैसे होने दिया? माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी पत्नी और अंडा दोनों चले गए, सब आपकी पुरानी सोच के कारण हुआ है। गोरी कव्वी तो खामोश थी और चिड़िया की बातों को याद करके रो रही थी। फिर कुछ दिन बाद मुन्नी चिड़िया दो स्वस्थ अंडों को जन्म देती है। रानो चिड़िया तो बहुत खुश थी, वो तो खुशी से पूरे जंगल में मिठाइयाँ बांटती है। गोरी, ये मिठाई खाएं, मेरे घर में दो अंडों का जन्म हुआ है, मैं तो दादी बन गई। चिड़िया, अच्छा होता अगर मैंने भी अपनी बहू को तेरी तरह समझा होता तो आज मेरे घर की खुशियाँ नष्ट न होती। गोरी, अब रोके क्या फायदा, चंदा कव्वी और उसका अंडा तो कमजोरी में मर गया। आपने उसे घर की चार दीवारों में बंद करके रखा, उसकी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। वो भी बहू से पहले एक बेटी थी। आसमान में दो परियों के बीच लड़ाई हो रही थी। एक छोटी परी कमजोर पड़ती जा रही थी तो दूसरी तरफ एक परी ताकतवर थी। छोटी परी मदद की गुहार लगाती है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, ये बुरी परी मुझे मार डालेगी। जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, लेकिन आज बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, तुम मरोगी। लेकिन मेरी गलती क्या है जो आप मुझे मारने पर तुली हो? जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ वो तुझे पसंद करता है, इसीलिए अब तुझे मारना ही होगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। परी बहुत डरी हुई थी, वो लगातार मदद की गुहार लगा रही थी। तभी वहाँ से एक चिड़िया गुजरती है, मदद की गुहार सुनकर परी के पास आती है। चिड़िया, मेरी मदद करो, ये बुरी परी मुझे मार डालेगी। अब ये क्या, छोटी सी चिड़िया तुम्हें बचाएगी? देती रहो, अपने मन को झूठी तसल्ली देती रहो। परी जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं छोटी जरूर हूँ लेकिन आपकी मदद जरूर करूँगी। आप बताएं मुझे क्या करना होगा? छोटी चिड़िया, हमारे झगड़े के बीच मेरी छड़ी नीचे गिर गई, आप कृपया कर वो छड़ी ढूंढ कर ला दें, मैं तभी इस बुरी परी से बच पाऊंगी। चिड़िया तुरंत वहां से लौट जाती है, वो तो हर हाल में अच्छी परी की मदद करना चाहती थी। वो जल्दी जल्दी उड़ती है और छड़ी को यहाँ वहाँ ढूंढना शुरू करती है। अब उस छोटी सी छड़ी को कहाँ ढूंढूं? परी की जान खतरे में है, मुझे कैसे भी करके ढूंढना ही होगा। ऐसे छड़ी को ढूंढते हुए चिड़िया नदी के पास चली जाती है तो परी की जादुई छड़ी उसे नदी किनारे दिख जाती है। वो तुरंत ही छड़ी लेकर आसमान में ऊंची उड़ती है और दूर से देखती है, बुरी परी तो फल खाने में व्यस्त थी। वो जल्दी से अच्छी परी को छड़ी वापस करती है, परी आजाद हो जाती है। शैतान परी, अब तुम बंदी बनने को तैयार हो जाओ, मेरी जादुई छड़ी मुझे मिल गई है। इतना कहते ही वो अपने जादू से शैतान परी को उल्टा बांध देती है और उसकी जादुई छड़ी भी छीन लेती है। चिड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मेरी छड़ी लौटाकर मेरी जान बचाई, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। परी जी, इसमें आभार कैसा, मुसीबत में तो हर किसी की मदद करनी चाहिए। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना और ऐसी बुरी परियों से हमेशा दूर रहना। ऐसे बोलकर चिड़िया अपने जंगल लौट आती है। मम्मा मम्मा, दाना कहाँ है, आज आप दाना नहीं लेकर आई, हम क्या खाएंगे? बच्चों, आज मैंने एक छोटी परी की जान बचाई, बस इसी कारण मैं दाना ना ला सकी। आप घर में बैठे, मैं कव्वों के घर से थोड़ा दाना मांग कर लाती हूँ। ऐसे बोलकर चिड़िया दरवाजे से ही लौट जाती है। अचानक से मौसम खराब हो जाता है, बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया जल्दी जल्दी कालू गोरी का दरवाजा खटखटाती है। कालू गोरी, जल्दी से दरवाजा खोले, मैं हूँ रानो चिड़िया। कालू जी, बारिश अभी शुरू नहीं हुई और ये रानो चिड़िया आ गई मोड़ उठा के। पहले ही समझा देती हूँ, दाना वाना ना देना इसे, बारिश का क्या पता, ना जाने कब जाके रुके। ठीक है, मगर दरवाजा तो खोल दूँ, वो बारिश में भीग रही है। फिर दोनों कव्वे दरवाजा खोलते हैं। चिड़िया उसे भोजन ना लाने की पूरी बात बताती है। अरे रे रे, क्या कहानी बनाई है, जितना समय ये कहानी बनाने में लगाया है अगर उतना समय मन लगाकर दाना ढूंढा होता तो मांगने की नौबत ना आती। गोरी बहन, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं तो कभी दाना ही ना ढूंढती हूँ। अगर दाना ढूंढती तो हमारे घर मांगने ना आती। अब जाओ यहाँ से, बारिश में मेरा दिमाग खराब मत करो। चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वो कबूतर के घर जाती है, वहाँ से थोड़ा दाना चिड़िया को मिल जाता है। वो जल्दी जल्दी आकर अपने बच्चों का पेट भरती है। मम्मा,
ये दाना तो हम ही खा गए, अब आप क्या खाओगी? गुड़िया कुक्कू, आपने खा लिया, समझो मेरा पेट भर गया, अब मैं सुकून से सो पाऊंगी। अगर तुम दोनों भूखे रह जाते तो शायद पूरी रात में सो ना पाती। ऐसे बोलकर चिड़िया अपने दोनों बच्चों को सुला देती है और खुद भूखे पेट होने के बाद भी आराम से सो जाती है। सुबह हो गई थी, लेकिन बारिश तो और जोरों से पड़ रही थी। मम्मा चिड़िया परेशान हो जाती है, कल तो बच्चों का पेट जैसे तैसे भर दिया, लेकिन आज कैसे भरूंगी? नहीं, मुझे इस बारिश की परवाह नहीं करनी चाहिए, अपने बच्चों की भूख के बारे में सोचना होगा, मैं जाती हूँ। ऐसे मम्मा चिड़िया बारिश में अपने घर से निकल जाती है। दोनों कौवे तो खिड़की से चिड़िया का खूब मजाक बनाते हैं। काम चोर चिड़िया, बारिश होने से एक दिन पहले हम दोनों ढेर सारा दाना लाए थे, अगर तू भी थोड़ा मेहनत करती तो अपने बच्चों को भूखा न मारती। बेचारे छोटे बच्चे पता नहीं क्या खाएंगे। गौरी, मैं कोई काम चोर नहीं हूँ, मैंने सच में एक परी को बचाया था, बस इसी कारण दाना ना ला सकी। पर मैं तुमसे बातें कर अपना समय क्यों जाया कर रही हूँ, मुझे तो दाना लाना है, मैं चलती हूँ। ऐसे बोलकर चिड़िया आगे बढ़ जाती है। वो खूब मेहनत करके दाना ढूंढती है, मगर बारिश से उसे कहीं भी दाना नहीं मिलता। वो हार थक कर घर वापस आती है तो उसके दोनों बच्चे पेड़ की डाल पर बैठे रो रहे थे, क्योंकि चिड़िया का घर तो टूट चुका था। देखो देखो कालू, कमजोर चिड़िया का कमजोर घर पहली ही बारिश में टूट गया, मुझे तो बच्चों पर बड़ी दया आ रही है। गौरी, अगर सच में ही दया आ रही होती तो मेरे बच्चों को ऐसे बारिश में भीगते ना देखती, उन्हें घर के अंदर ले लेती। मेरा घर कोई धर्मशाला थोड़े ना है जो चिड़िया के बच्चों के लिए फ्री है। अब जाओ यहाँ से, कहीं पहाड़ों में रात बिताओ, मगर ध्यान रखना, भूखे चील भी रहते हैं वहाँ। ऐसे बोलकर गौरी का भी खिड़की बंद कर लेती है। मम्मा, हम पहाड़ों में नहीं जाएंगे, मुझे चीलों से बहुत डर लगता है, कहीं वो हमें खा गए तो। नहीं नहीं मेरे बच्चों, चिंता मत करो, मैं तुम्हें पहाड़ों में लेकर कभी नहीं जाऊंगी, ये गौरी तो ऐसे ही बोलती है, आप ध्यान ना दो। लेकिन मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे? बारिश में मुझे ठंड लगी है, मैं और नहीं भीग सकती। बच्चों, आप यहीं पर रुको, मैं आपके लिए कुछ करती हूँ, कहीं मत जाना। ऐसे बोलकर चिड़िया अपने बच्चों के लिए आशियाना ढूंढती है, मगर बारिश की धुंध के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। हे ऊपर वाले, मैं सबका भला करती हूँ, फिर भी आप मुझे ही तकलीफ देते हो, आखिर क्यों? चिड़िया बारिश में रोए जा रही थी, तभी वो छोटी परी उसके पास आती है। अरे, आप तो वही चिड़िया हो जिसने उस दिन मेरी जान बचाई थी, मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, तुम्हें धन्यवाद के सिवा कुछ नहीं दिया। बोले चिड़िया, आप यहाँ क्यों रो रही हो? चिड़िया उसे सारी बात बताती है। चलो चिड़िया, जल्दी से अपने बच्चों के पास चलो, मैं वहीं चलकर कुछ करती हूँ, नन्हे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। फिर वो भागी भागी अपने बच्चों के पास आती है। परी अपनी जादुई छड़ी से एक बड़ा जादुई सेब घर बनाती है। बच्चे तो जल्दी जल्दी सेब के घर के अंदर चले जाते हैं। छोटी चिड़िया, अब आपको घर और भोजन की कोई चिंता नहीं, यहाँ ढेर सारा भोजन है, और ये घर कोई मामूली घर नहीं है, कितना भी तेज आंधी तूफान आए ये कभी नहीं टूटेगा। ऐसे बोलकर परी वहाँ से लौट जाती है। दो तीन दिन बीत जाते हैं, बारिश बिल्कुल नहीं रुकती। जंगल में पानी भर चुका था, कौवों का घर तो पानी में बह जाता है, वो जैसे तैसे अपनी जान बचाते हैं। कालू, ये सेब का घर किसका है जो इतनी बारिश में टिका हुआ है? ऐसे वो दोनों सेब घर का दरवाजा खटखटाते हैं। चिड़िया बाहर आती है। चिड़िया, तुम जल्दी से इस घर के मालिक को बुलाओ, हमें घर में रहना है, बाहर पानी पानी भरा पड़ा है। गौरी, ये घर मेरा है और ये उसी परी ने दिया है जिसकी मैंने कभी मदद की थी, अब तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अपने घर में कभी नहीं आने दूंगी। प्लीज चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो और घर के अंदर ले लो, हम पर थोड़ी दया करो। नहीं, मैं तुम दोनों को अपने घर में नहीं आने दूंगी, तुम दोनों को तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों पर भी दया नहीं आई थी, और मुझसे उम्मीद करते हो, मैं तुम्हें माफ कर दूं, भाग जाओ यहाँ से, मेरे घर से दूर हो जाओ। ऐसे चिड़िया कौवे को घर में नहीं आने देती, दरवाजा बंद कर लेती है। कौवे तो अपने आप पर बहुत शर्मिंदा थे, वो बारिश में ठुटुर ठुटुर कर मर जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।